Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum. Today's topic is on equality. Class 7th, subject social science, civics part, from part civics. Now we will discuss about equality. Equality kise hum kehte hain? To aam lafzon mein, yani ki aam bhasha mein, aasan zabaan mein hum equality ko define karenge. To equality ka maane kya hota hai? What is an equality? Equality hum kehte hain ki barabari ko, yaksan ko, ek hi nazar se sab ko dekhna, usi ko hum equality karenge. Yani ki aam zabaan mein jo equality hum define karenge. Equality in Indian democracy. Hindustani Cumhuriyet mein equality ki kya ahmiyat hai ya kis tarah hum equality yahan par dekhenge. To humne isko define kiya hai, equality means all people are same in a democracy. Yani ki Cumhuriyet mein har ek shahri ko barabar ke huquq mile hain. Equality is the key future of democracy. Ye ahem juz hai democracy mein. Equality is the key future of democracy. Every individual, male or female, from all castes, religions, tribes, education and economic background are recognized as equal. Chahe yahan pe bina mazhab, rang, millat, nasab, yani ki shahri, dehati, sab ko ek hi nazar se dekha jata hai. Yahan pe kisi ke sath koi bhedbhav nahi kiya jata hai. Hamare mulk mein yani ki har ek ko equal rights diye gaye hain. तो हमारी जो ये टेक्स्ट बुक है आज हम इसी के तरीके से आपको कुछ समझाएंगे यानी कि ऑन इक्वालिटी इंडिया इज अ डेमोक्रेसी इन द क्लास 6 वी लुक एट द की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दिस इंक्लूड्स पीपल्स पार्टिसिपेशन द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस इक्वालिटी ऑफ अ फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंस ऑल ऑफ दिस पार्ट्स यानी कि क्लास 6 की सिविक्स में हमने बाकी जो एलिमेंट्स हैं इक्वालिटी के बारे में पढ़ा है आज जो हमें ये कांता की स्टोरी दी गई है यहां पे आपको दिखाया गया है कि शक्लों के जरिए से यानी कि हर एक लोग यहां पे आप देखो बहुत सारे लोग हैं जो लाइनों में बैठे हैं यहां पे शक्ल से भी बनाया गया है कि ये इक्वालिटी क्या है तो आप देख सो या आप ये टेक्स्ट बुक 7th की आप खोलो और उस पे देखो आप पहला है मंजीत कोल ये टीचर है तेजा सिंह ये ट्रेडर है गिरीश राव स्टूडेंट है कांता देवी ये डोमेस्टिक वर्कर है सुजाता कुमारी ये भी डोमेस्टिक वर्कर है अब्दुल रहमान ये ऑडिशन है इसी तरह शबनम बानो है ये हाउसवाइफ है बहुत सारे कंसलटेंट हैं गवर्नमेंट ऑफिसर हैं मीडिया पर्सन है अनएम्प्लॉयड है और इंडस्ट्री एडजस्टर है यानी कि सब लोग आप देखो एक लाइन में बैठे हुए हैं सारे एक यकसा लाइन में बैठे हुए हैं इनका मकसद क्या है आज क्या ये क्यों निकलते हुए है कि एक लाइन में एक डिसिप्लिन तरीके से तो हम अब बात करेंगे ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट ये तो आपस की दो दोस्त होती है कांता और सुजाता ये घर से निकले हैं वोट डालने के लिए और आपस में अभी बात करने लगे इज इट नॉट गुड सुजाता दैट वी ऑल वोट as equal citizens of our country when Jain Sahib is standing in the land with us. Jain Sahib, ये जो सुजाता है, ये दूसरी ये जो कांता है सुजाता से कहती है कि आप देखो, ये हमारे मुल्क में सबको एक ही हक दिया गया है, वोट डालने के लिए मैं और जैन साहब भी इसी लाइन में, जैन साहब के यहाँ ये काम करती है, क्योंकि ये अपनी पेट पूजा करने के लिए उनके घर में काम करते हैं और जैन साहब एक जैन साहब जो है वो भी इसी लाइन में बैठे हुए हैं अपने वोट का ये वोट की ये इंतजार कर रहे हैं तो ये कांता सुजाता से कहते हैं आप देखो जैन साहब इसी लाइन में हमारे पीछे खड़ा है यानी कि हमारे मुल्क ने हमें ये हक दिया है कि हम एक ही जगह बैठकर वोट डाल सकते हैं और उसके बाद गो ऑन कांता योर करंट इज इट इज योर टर्न अब ये जो कांता है ये चली जाती है वोट डालने के लिए आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया ये कहती है मुझे उस कैंडिडेट को वोट देना है या उस नुमाइंदे को चुनना है जो हमारे यहाँ इलाके में हमारे यहाँ पाइपें बिछाएगा वाटर पाइपें यानी कि वाटर सप्लाई जो हमारे यहाँ लाएगा ऑफ शोर्स वी ऑल सी यू लेटर कांता अब कांता जो है वो चली जाती है बोले बाय बाय हम आपको बैर में देखे हैं तो वोट डाल के चली जाते हैं यस नमस्ते साहब ये अब नमस्ते करते हैं किसको कांता को एट
whom awaken chali jati hai. Here have some of this, you will feel better, and when I get back in the evening, we will go to the hospital. Okay. ये इसकी बेटी जो है कांता की वो बीमार होती है घर में, या वो डाल के घर चली जाती है, अपनी बेटी को दिलासा देती है, आप ऐसे ही बैठना, घर में ही बैठना, मुझे पता है आपको बुखार है और बीमार है, जो ही मैं वापस आऊंगा काम से, मैं शाम को आपको ले जाऊंगा हॉस्पिटल, आप यहीं बैठना. उसके बाद गुड़िया हैज बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द hospital, but I have to finish the work at Saab's house first and ask for some evidence advance. ये जो कांता है ये इसके घर में काम करता है, क्या नाम है इसका, सुजाता के घर, ये जैन साहब के घर में ये काम करती है. ये इसे बोलती है कि मुझे आज जो ही मैं काम खत्म करूंगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी और आप मुझे एडवांस देना आज, क्योंकि मुझे जरूरत है. जैन साहब की घरवाली से ये कहते हैं, यानी कि मिसेस से. इट इज नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज नेवर क्लीन. अब ये बोलती है कि मेरी बेटी क्यों बीमार होगी. अभी आप आस पास देखते हैं कि इनका जो बस्ती है उसमें ज्यादा कूड़ा करकट बाकी पड़े हुए हैं. ये बोलते हैं यहाँ पर सफाई का कोई फकदान नहीं है, इसलिए ये जो मेरी गुड़िया है, बेटी है, ये बीमार पड़ जाती है. फिर ये आगे चली जाती है, मेक श्योर टू डू द कंसर्न्स प्रॉपरली. ये बोलते हैं ये जो इसकी जान साहब की ये वाइफ है, मिसेज है, ये बोलते हैं इसकी जो कार्मा है ये सफाई सही से करना, कहीं वहां पे कोई आपके कीड़े मकोड़े ना रह जाए, इसको सही से साफ करना. उसके बाद हियर इज योर एडवांस कांता, बट डोंट मेक इट हैबिट फॉर इट. अब ये क्या बोलते हैं कांता से, जैन साहब की मिसेज बोलते हैं आप ले जाओ आज ये एडवांस की, लेकिन दोबारा ये आदत मत बना एडवांस लेने की. एडवांस लेने का क्या, ये आदत छोड़ो, आज आपको जरूरत है तो ले जाओ. नो मैडम, ठीक है मैडम, अब मुझे दीजिए, आज जरूरत है, अब मैं दोबारा नहीं ले जाऊंगी. दैट इवनिंग, अब शाम को जाके घर पूछती है, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी. उसके बाद कुछ मिनट्स के बाद जैन मैडम एंड जैन सर मे स्टैंड इन अ लाइन टू वोट, बट दे नेवर हैव टू डू इन इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक. अब ये सोचती है, ये जो है ये सोचती है, जो इनकी घर में काम करती है कांता, ये बोलते हैं कि जब हम वोट डालने के लिए गए तो जैन साहब भी उसी लाइन में थे, मैं भी था, डॉक्टर भी था, प्रोफेसर भी था, वहां पर पुलिस वाला भी था, बड़े बड़े अफसर भी थे, आम हम लोग भी लाइन में एक ही थे. लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ अब ये सोचते हैं कि जैन साहब इस तरह कभी हॉस्पिटल में आए होंगे, अब लाइन में खड़ा होकर इंतजार करते होंगे अपनी बारी का, जिस तरह हम करते हैं. ये कौन सोचती है, अब यहाँ पे सोचती है कांता, यानी कि ये सोचने लगी अगर उनके बच्चे कहीं कभी बीमार हो जाएंगे होते, क्या वो इस तरह हॉस्पिटल में खड़ा रहते अपनी बारी का इंतजार ओपीडी के बाद. एक्चुअली ऐसा ये सोचती है क्योंकि उनके पास प्राइवेट फैसिलिटी है, उनके पास पैसे हैं, वो घर में अपॉइंटमेंट लेते हैं डॉक्टर से, तो यूं ही चले जाते हैं, उनके लिए इंतजार होता है, वहाँ डॉक्टर अवेलेबल होता है. ये अब सोचने लगी, डू यू थिंक कांता हैज एनफ रीजन टू डाउट whether she is really is equal, list these three reasons from the story above that might make her feel like this. Ab isi story ke zariye hame ye sochna hai ki kanta kyun majboor hui, kyun sochne pe kya majboor hogi ki hame kyun equal treat nahi kiya jata hai, yahan kahan kyun nahi equality milti hai, kyunki jab wo shaam ko chali gayi apni beti ko usne kandhe pe lekar hospital chali gayi, wahan use bari ka intezar karna pada opd ke bahar shaam ko, aur ab ye sochne lagi kya jis tarah hum ward mein ek hi line mein khada hote hain, wahan pe dekha hi nahi jata hai ki bada kaun hai, doctor kaun hai, professor kaun hai, bada afsar kaun hai ya mazdoor kaun hai, wahan pe to equality hai, lekin yahan pe mujhe nahi dekhne ko mili. ab aage jo hamara hai इक्वलिटी, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चरों में. आगे क्या हमें देखना है, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, इक्वलिटी एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स, इक्वलिटी और इसके और कितने फॉर्म्स हैं, वोटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन एटसेट्रा. इसके बारे में वोटिंग भी के बारे में भी कहेंगे, वहां पर नहीं देखा जाता है जात पात, मजहब, रंग, मिलत,
वोट हर एक का हक है, जो भी 18 साल की उम्र के ऊपर का शहरी है उसे यहां हक है वोट देने को। फिर टू इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी इसमें है, इस चैप्टर में आपको दो अच्छी सी स्टोरी भी देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइज डिग्निटी, यानी कि डिग्निटी को हम किस तरह पहचानेंगे वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। और क्या इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, यानी कि हिंदुस्तानी जमहूरियत में किस तरह हर एक शहरी को बराबर के हकूक मिलते हैं। इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, बाकी इश्यूज भी पढ़ेंगे। और क्या मिड डे मील स्कीम के बारे में भी, MDM जो दोपहर को हम सारे गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल हैं अव्वल से आठवीं तक के बच्चों को दोपहर का खाना पकाया हुआ खाना स्कूलों में देते हैं, उसके लिए उसके बारे में भी हम इस किताब में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।